अस्सलाम वालेकुम, तो आप सभी का वेलकम है जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको जॉब्स की न्यूज़, स्कॉलरशिप की न्यूज़ और शॉर्ट कोर्सेज की न्यूज़ जो सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। PPSC वेबसाइट आपने चले जाना है, ठीक है, और ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फीस आपने 600 रुपये पहले जो है वो बैंक में जमा करवा लेनी है, ठीक है। वो वोचर आपने उसकी पिक्चर जो है वो स्कैन कर लेनी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो है वो सर्च कर लेना, ठीक है। वैसे तो बहुत वो नीचे आ रही हैं सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। ये देखें, ये आप 4th नंबर से स्टार्ट हो जाए। ये देखें सब इंस्पेक्टर, ये आपके ना डोमिसाइल की बेस पे है, ठीक है। आप डोमिसाइल देख लें आपका कि कहाँ पे आ रहा है, मतलब कि किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे जी फ़र्ज़ किया जी लाहौर के लिए है, ये देखें लाहौर के लिए, शेखुपुरा के लिए, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोधा, ठीक है। आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, ठीक है। ये सारी जो है वो लिखी हुई हैं। जैसे जी अब आपने जो आपका रीजन बनता है ना, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं फ़र्ज़ किया जी लाहौर पर जो है वो क्लिक करता हूँ, ये आ गया। देखिए ये 2020 में जॉब्स आई थी अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। तो अब जब उन्होंने मज़ीद उन सीटों को इनक्रीज़ करके ना अब मज़ीद जॉब्स दे दी हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन आपकी यानी कि बीए, बीएससी, एडीपी आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो आपको हाइट है वो 5 फिट 7 इंच मर्द की, ठीक है, और फीमेल की जो है वो 5 फिट 2 इंच, और जो मेल की छाती है वो 33 और 34.5, और विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो 6x9 होना चाहिए आँख का, और विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। एंड नियर विजन जो है वो J1 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जी 206, ठीक है। जो अब अनाउंस की गई हैं वो 206 अनाउंस की गई हैं। 2020 वाले स्टूडेंट अप्लाई ना करें, ठीक है। उनका वही जो आपने अक्टूबर 2020 में अप्लाई किया था आप लोगों का वही चलेगा। जो वुमेन की सीटें हैं वो 31 है, और जो मिनोरिटी कोटा है वो 10 सीटें हैं। 14 स्केल है जी इसका, और एज आपको 20 साल से लेके 25 साल। अगर आप 25 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे पंजाब की सीटें हैं, और एडिशनल रिक्वायरमेंट ये वही है जो मैंने आगे आपको बताई है। इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आप किसी भी DH की हॉस्पिटल से बनवा लें, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट और आँखों की जो है टेस्ट जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। वो आपने अभी बनवा लेना है। 600 रुपये फीस है आपकी, ठीक है। आपने अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने DH की हॉस्पिटल से बनवाना, और लास्ट डेट से पहले आपने ये बनवा लेना है, और फिर आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट 3 दिसंबर 2021 है, तो ये फिलअप फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने चलान फॉर्म पे कर लिया नेट कैफ़े वगैरह से लेके, या पहले ये वाला डाउनलोड कर लिया तो ठीक है। यहाँ पे आपने ये चलान फॉर्म है, यहाँ पे आपने लिखना सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे केस नंबर लिख देना है, और यहाँ पे अपना नाम लिख के बैंक में 600 रुपये फ़ी जमा करवा के आपको एक वोचर वापस मिलेगा। तो आपने उसकी पिक्चर जो है वो स्कैन कर लेनी है, ठीक है। तो नीचे आ जाए तो आपने ये आई कन्फर्म डेट, और यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है आपने, फिर यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना बगैर डैशेस के देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो वो अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आपने जो वो नंबर आपने दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आगे आ गई ये वाला पेज आ गया, ये देखिए ये 29 एडवर्टाइजमेंट थी 2020 की, और केस नंबर ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ उन्होंने लिखा जी आपने अपना जेंडर जो है वो केयरफुली सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपकी, जो डेट ऑफ बर्थ बनती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं, ठीक है।
यहाँ पे भी आपने वो लिखना स्पेशल पर्सन हो आप, मतलब आप मजदूर वगैरह हो या नहीं, और ये नो है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आपकी एक डोज लगी है तो आपने उस पर क्लिक करना है, अगर फुल वैक्सीनेटेड हो गए तो इस पर क्लिक करना है, अगर आपको कोई छूट है तो आपने एग्जेम्प्टेड पे क्लिक करना है, और नॉट वैक्सीनेटेड आपने करना है। तो रीज़न बतानी है कि आपने नॉट वैक्सीनेटेड अगर आप करोगे तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बगैर आपको ना तो अप्लाई की परमिशन है और ना ही आपको टेस्ट देने की परमिशन है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड उन लोगों के लिए जिनको छूट है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है वो जो है वो जब इस पर क्लिक करोगे तो आपसे जब वो उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है कोरोना का उसका जो है नंबर मांगेंगे। ठीक है, मैं इसलिए एग्जेम्प्टेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दो डोज लग तो गई है लेकिन अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी कि रीज़न बताएं कि आपकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं। जी मैं कोई भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने आई हेयर बाय, यहाँ पे वो आप एग्जेम्प्टेड भी तब सेलेक्ट करेंगे अगर आपको छूट होगी और आपकी वैलिड रीज़न होगी, क्योंकि आइंदा जो आप टेस्ट देने जाओगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपको अगर छूट है कोरोना की तो मुझे वो डॉक्टर का बताओ, वो आपको सर्टिफिकेट बोलेंगे जो डॉक्टर ने आपको अलाउ किया होगा कि इसको जो है वो नहीं वैक्सीनेशन लगानी क्योंकि ये हार्ट पेशेंट है या कोई ऐसा मसला है। ठीक है, तो टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर क्लिक हेयर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पे आपने क्लिक करना है तो आपकी जो है वो आगे जो है वो मूव हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपनी जो है वो पिक्चर, ठीक है, यहाँ पे आपकी 25 KB से बड़ी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है। अगर आपकी पिक्चर बड़ी है तो आपने ऐसे करना है सॉफ्ट लॉजिक, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है सॉफ्ट लॉजिक्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने वो फाइल चूज़ करनी है और पहले आपने कंप्रेस इमेज पे क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड इमेज कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो वो आपके पास जो है वो ये पिक्चर है, जैसे इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कंप्रेस कर देना है, ये छोटा साइज हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अब 6 KB का हो गया, तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज आपने कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो फाइल लगानी है। ठीक है, अपलोड पिक्चर पे आपने जो है वो क्लिक करना है, वो साइज़ बड़ा कह रहे हैं जो, अब हमने जो है वो चूज़ करनी है जो हमने अभी जो है वो छोटी की है। ठीक है, ये लग गई। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, फ्रंट की जो आपके शनाख्ती कार्ड की है, तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कोई भी जो है वो यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की पिक्चर जो है वो चूज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको शनाख्ती कार्ड की पिक्चर शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे आपने अपनी बैंक की जो डिटेल है, फ़ीस जो जमा करवाई है आपने वो ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो फाइल जो है वो चलान फॉर्म, या ये जो चलान फॉर्म है आपने ये अपलोड करना है, उसकी पिक्चर लेके जो आपने बैंक में जमा करवाई 600 रुपये फ़ीस। ठीक है, बैंक रसीद डेट, जहाँ पे डेट डालनी है किस डेट को आपने जमा करवाई है, और यहाँ पे आपने अपने वो बैंक रसीद का नंबर डालना है, यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है, ये फ़ीस जो है वो नेशनल बैंक में जमा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने सिटी का नाम डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्रांच का नाम डालना है। ठीक है, कि कौन सी ब्रांच थी, और यहाँ पे आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने ये नेक्स्ट का बटन आ जाएगा नीचे, आपने इस पे जाओ क्लिक करना है, ये आ गया। अब हमने फीस कर दी, अब पर्सनल रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे जाओ हमने अपना डाटा देना है जी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कोई भी एड्रेस दे लें जी आप अपना, फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने देना है 0320, जो भी आपका नंबर बनता है, जो आप नंबर देना चाहती हो। ठीक है, अब आपने जो है वो यहाँ पे अपने फादर का नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डोमिसाइल बताना है कि लाहौर का है किसका है। यहाँ पे डोमिसाइल की जो इशू डेट है वो आपने दे देनी है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, सिंगल। ठीक है, अगर मैरिड हो आप तो मैरिड पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ें जो वो आप खुद पढ़ देना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने टेस्ट और इंटरव्यू कहाँ पर आपका होगा। यहाँ पे जो शहरों के ऑप्शन है वो है भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोधा। ठीक है, जो आपको करीब पड़ता है शहर आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल, आपने क्या इससे पहले जो आपको कोई चांस ज़ाया किया है या नहीं किया, नहीं किया ज़ाया तो आपने 0 पे क्लिक कर देना, और सेव इन्फॉर्मेशन पे आपने
यहाँ पे वो कह रहे जी इनकरेक्ट पोस्टल एड्रेस, आपने पोस्टल एड्रेस कह रहे जी कि पूरा देना है, ठीक है चले जी पूरा कोई भी दे दो आप, ठीक है लाहौर आ गया ये सारा कुछ जो है वो अब सेव इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये भी हो गया, अब एजुकेशन का हम डाटा इंटर करने लगे हैं। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक तो मैट्रिक इंटर बीएससी बीए एडीपी का, और दूसरा जो है वो मैट्रिक इंटर और 4 साल बी, क्योंकि किसी ने बीएस ऑनर भी किया होता है तो फिर जो है वो मैं फ़र्ज़ किया जी मैं दूसरे पे लाइज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लूँगा और प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक की आपने डाटा इंटर करना है, जो मर्ज़ी डाटा इंटर कर दें आप, ठीक है यहाँ पे आपने फुल डिटेल देनी है, ठीक है एनुअल है या सब सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल है। मैक्स मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे आपने डिवीजन या ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट डिवीजन ऐड एन अदर एजुकेशन, ठीक है। एक ये देखे मैट्रिक की होगी, अब मैं करूँगा जी एफएससी की इंटरमीडिएट की, 22 लाहौर में से किया, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल है वो आपने, यहाँ पे आपने अपने रिजल्ट की डेट देनी है, यहाँ एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम आपने चूज़ करना है, यहाँ पे आपने मार्क्स देने हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पे डिवीजन आपने फर्स्ट डिवीजन बन रही है, आपने ऐड एन अदर एजुकेशन पे क्लिक कर देना। अब आखिरी हमने जो फिल करना है जी वो बी एस ऑनर बैचलर 4 साल, ठीक है वो भी लाहौर से है। चले जी मेजर वो यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो आपने डेट, और ये सेमेस्टर सिस्टम होता है ज़्यादातर तो ये सेमेस्टर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी सीजीपी आ जाएगा, यहाँ पे टोटल सीजीपी आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आपने जो है वो बतानी है कितनी है, फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। ऐड एन अदर एजुकेशन तो करने का फ़ायदा ही नहीं है, या कर ले अगर उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 3 इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, यानी कि मैट्रिक इंटर बैचलर की। अगर आप 4 साल बैचलर है तो आपने ये वाला चूज़ करना था, अगर आपका बीए बीएससी है तो आपने वो सेट नंबर 1 चूज़ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सेव इन्फॉर्मेशन आ गया, आपने इस पर क्लिक कर देना, अकेडेमिक रिकॉर्ड सेव हो गया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ एक्सपीरियंस, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। फिजिकल स्टैंडर्ड, ये अब आपने वो वाला फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे इंटर करना है जो आपने डीएचक्यू हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट बनवाया होगा। यहाँ पे आपने हाइट लिखनी है ऐसे 5 फीट एंड 7 इंच, ठीक है 5 फीट एंड 7.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे छाती आपने लिखनी है कितनी थी आपकी जी, ठीक है यहाँ पे ऐसे छाती नॉर्मल कितनी थी, और जो एक्सपेंड करके, ठीक है जब कहते हैं फिला के, ठीक है। तो ये जब आप बनवाओगे ना डीएचक्यू हॉस्पिटल से, ये पहले आपने बनवाना है, आपको जो है वो सारा कुछ बता देंगे, आपने डीएचक्यू हॉस्पिटल में चले जाना है अपना शनाख्ती कार्ड लेके, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंट विजन लेफ्ट आपने वो वाली लिख देनी है, यहाँ पे जो है वो आपने राइट लिख देनी है, यहाँ पे जो है वो ये देखे डिस्टेंट विजन 6x9 होना चाहिए आपका, ठीक है। ये जिनकी वीक होगी वो पता लग जाएगा कि आपका अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने ये चीज़ें आंखों का लिख के, छाती का लिख के और कद लिख के अपना सेव इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। तो नीचे आ जाएगा जी नेक्स्ट का बटन, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो है वो हमने अपलोड कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ले जी अब जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस, यूर गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट टू सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रोवाइड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अभी तक हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं की, सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ऐड का ऑप्शन आ रहा है और नॉट एप्लीकेबल तो आ रहे हैं, देखो इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमने नॉट एप्लीकेबल जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया, अब देखो यहाँ पे बटन आ गया सबमिट एप्लीकेशन का, आपने इस पर क्लिक करना है। ये आ गया आप नेक्स्ट बटन आपके पास, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई पे बाय सबमिटिंग, ठीक है, और सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है।
ये एप्लीकेशन नंबर है। अब आपको ये चला गया, आपकी ईमेल पे भी चला गया, आपको नंबर पे मैसेज भी आ चुका है कि आपने जो वो आपका अप्लाई हो चुका है। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो मैसेज भी चला गया, ईमेल भी चलेगी ये आपको, ठीक है। और प्रिंट एप्लीकेशन अपना जो है वो रख लें अपने पास संभाल के, या जो आपको ईमेल आई होगी ना उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा हुआ है और टोकन नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना शिनाख्ती का नंबर लिखना है और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपको एक PDF की फाइल जो है वो मिल जाएगी, वो आपने पेपर वाले दिन जो है वो साथ लेके जानी है, ठीक है। तो ये था जी तरीका आपको सब इंस्पेक्टर का अप्लाई करने का तरीका। इसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट PPSC को सेंड नहीं करने, ठीक है। तो आई होप सो कि अब जो है वो सब इंस्पेक्टर में आप किसी भी इलाके में अप्लाई करना होगा ना, सबका तरीका सेम है, ऐसे ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। तमाम जो भी आप सब इंस्पेक्टर की अगले सालों में सीटें आएंगी या जब भी आएंगी ना, आपने ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड वो सारा कुछ जो है वो मैंने आपको बताया, पहले बनवाना है, वोचर आपने पे पहले करना है बैंक में, सारी डिटेल जो है वो आपने ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी रिड्यूस का भी मैंने बता दिया, ये पिक्चर कैसे रिड्यूस करते हैं। दो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।